हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जोन चैनल में फिर से स्वागत अभिनंदन। आशा करता हूँ दोस्तों उस परम शक्ति परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड एक ओंकार का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे दोस्तों, और साथ ही साथ माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी हम सभी पर बना रहे। तो फिर से एक नए लेसन के साथ नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो आज हम हारमोनियम के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आए हैं। तो आज हम सिखाने वाले हैं हारमोनियम के माध्यम से, खासकर यह जो लेसन है बिगनर्स लोगों के लिए, जो अभी संगीत सीखना शुरू कर रहे हैं, संगीत से जुड़ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो आज हम सिखाएंगे गले के अंदर हम हरकतें किस प्रकार से ला सकते हैं, कैसे हम ला सकते हैं। दो तीन तरह के अलंकारों के माध्यम से मैं आप लोगों को हारमोनियम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि हम गले के अंदर हरकतें, मुर्कियां किस प्रकार से ला सकते हैं, कैसे इसको हम अपना गला जो है तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अभ्यास कीजिएगा। गुजारिश करूंगा यदि चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प से हम क्या आपको बताएंगे। देखिएगा, जब हम सा लगाते हैं तो हमें क्या करना है, पहला जो अलंकार का हमें अभ्यास करना है किस प्रकार से करना है। देखिएगा, सा रे, दो स्वरों को लेना है। ये सा है, सी शार्प मध्य सप्तक की पहली काली, और ये रे यानी कि डी शार्प या बी फ्लैट बोलते हैं इसको, ई बी फ्लैट। तो देखिए क्या करना है, इस पर हमें किस प्रकार का रियाज करना है। देखिए, सारे 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 सारे। तो ये तो हो गया स्वर। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए आ आ यानी कि आकार, जैसे भी हमको अच्छा लगे उस प्रकार से। तो कैसे करेंगे, देखिए आ इस तरह से इसको तैयार करना है। पहले आप स्लोली स्लोली करें, हो सकता है आपके गले के अंदर जो है इस प्रकार से फिट ना बैठे, तो ये रियाज करने से होता है। तो आप लोग पहले स्लोली करें, देखिए स्वर को समझे दे, आ, आ, कैसे भी करें, ये आ, पहले स्लोली स्लोली करें, देखिए इस तरह से, देखिए और इसमें आपका गला जितना खुल सकता है उतना खोलने की कोशिश करें, खुले गले से आप इसका रियाज करें। देखिए अगर आप दबाएंगे, आवाज को दबाएंगे तो आपका रियाज जो है पक्का नहीं होगा। आप गले को अपना खोलें, उसके बाद ही इस आकार का आलाप का रियाज करें। इससे देखना, अगर आप इसको एक हफ्ते तक, 10 दिन, 15 दिन, अभी मैं आगे और भी बहुत सारा है, अभी तो मैंने केवल दो स्वर बताए हैं, आगे बहुत सारा अभी आपको बताने वाला हूँ अगले स्वर से, फिर उसके अगले स्वर से। तो आप लोग एक हफ्ते तक अगर इसका लगातार अगर रियाज करेंगे तो देखिएगा, आप कोई गाना ले लें, गाने के बीच में जब कहीं पर मुर्कियाँ हरकतें होंगी तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके गले में आना शुरू हो जाएंगी। देखिए तो शुरू करते हैं, देखिएगा कैसे, पहले स्लोली स्लोली फिर थोड़ा फास्ट। इस तरह से पहले स्लो स्लो फिर स्पीड बढ़ाएं। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो देखिए इस तरह से होगा।
आपने सुना होगा बड़े बड़े कलाकारों के अंदर इस प्रकार से जब मुर्कियाँ आती हैं तो किसी भी गाने के अंदर जब आलाप लेते हैं तो किस प्रकार का अंदाज आता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसी प्रकार जो आपको तैयार करना है, इस तरह से। फिर अगले स्वर में बढ़ जाएंगे, ये रेगा 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 रेगा, ये देखिए रेगा 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 आ पहले स्लो स्लो करें फिर स्पीड बढ़ाएं, देखिए इस तरह से देखिए जब आप पहले स्लो स्लो करेंगे उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्पीड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी अगर इस तरह से आप लगातार एक दो हफ्ते रियाज करते हैं। रेगा 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 ये सारे 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 इस तरह से फिर आगे बढ़ते जाएंगे स्लोली स्लोली एक एक स्वर इसी प्रकार करते जाएंगे, सा तक जाएंगे, ये अलंकार हमारा एक पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा बताएंगे हम आपको, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये गामा 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 आ पहले स्लो स्लो इस तरह से। फिर धीरे धीरे स्पीड अपने बढ़ाते जाएं, पहले लंबी लंबी सांस लें उसके बाद धीरे धीरे इस सांस को इस जो है स्वर के साथ छोड़ें, देखिएगा इस तरह से, देखिए फिर आगे बढ़े मापा 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 ये मापा 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 मापा। पहले स्लो स्लो उसके बाद फ्लो जब चलेगा तो अपने आप स्पीड बढ़ने लगेगी इस प्रकार से। मापा 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 इस तरह आ तरह से। फिर आगे बढ़ेंगे पादा 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 ये
पादा 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 ऐसे। देखिए पहले स्लो स्लो, उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें धीरे धीरे। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। धानी 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 ये देखिए। धानी 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 इस तरह से चलेंगे। पहले स्वरों में करने की कोशिश करें धानी धानी धानी, फिर उसके बाद आकार उस पर करें। देखिए स्लोली स्लोली, फिर फास्ट। इस तरह से फिर स्पीड को बढ़ाएं थोड़ा। इस तरह से तो इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। जहां तक आपकी रेंज हो आप लोग वहां तक इसका रियाज कर सकते हैं, दो दो स्वरों को लेकर। ये पहला जो अलंकार मैंने आपको बताया है, तो इसी प्रकार से धानी पर थे हम। देखिए धानी 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 पहले स्लो स्लो फिर फास्ट। इस तरह से ये ऐसे चलना है। तो फिर दोस्तों उसी पैटर्न में वापस आएंगे। किस तरह से? ऐसे ही करते जाएंगे दो दो स्वरों को, तो वापस आएंगे और करेंगे। तो देखिए नी धानी 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 धा इस तरह से वापस नी धानी 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 धा इस तरह से फिर धीरे धीरे नीचे को बढ़ते रहें। एक स्वर नीचे आएंगे, यानी कि नी नीधा नीधा था, फिर हमारा होगा धापा धापा। तो कैसे? धापा 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 फिर पहले स्लो स्लो फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। ऐसे फिर एक स्वर नीचे आएंगे। पामा 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 ये पामा 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 फिर नीचे आएंगे। मागा 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 ये मागा 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 आ
गा से रे पर आएंगे ऐसे। गा रे गा रे गा रे आ से सापर इस तरह से रे सारे 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 सा आ रे सारे 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 सा आ सानी 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 सानी। फिर नीचे भी आ सकते हैं और ज्यादा आवाज के अंदर गमक लाने के लिए मंद्र सप्तक के स्वरों में आने की भी कोशिश करें। सानी 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 आ इस तरह से। फिर अगला अलंकार यानी कि दूसरा जो अलंकार है वो किस प्रकार का है? देखिए सा सा पर हमें फिंगर को रखना है और नी को टच यानी कि नी का कण लेना है। इसको आप टच नोट या कण स्वर भी कह सकते हैं। कण स्वर इसी से आपको कण स्वर भी समझ में आ जाएगा। तो क्या है, सा को प्रेस किया हमने और नी का टच लिया, ये अब जब इस प्रकार से आप तैयार करेंगे तो इसमें आप जो है आकार के अलावा आलाप के अलावा हमिंग भी करें। हमिंग भी करेंगे तो जो है क्या होगा, आपका गला जो है खुलेगा। देखिए ये सानी सानी यानी कि सा पर ठहराव, सानी सानी नहीं है, सा पर ठहराव है। सा फिर नी का टच सा ये सा नी 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 इस तरह से आ। फिर अगले स्वर में बढ़ेंगे, देखिए रे पर और रे पर ठहराव होगा और सा का टच लेंगे यानी कि इस प्रकार से ये। और ये माध्यम आप लोगों को मैं बता दूं, कण स्वर को समझने का भी माध्यम है। इसी प्रकार आप कण स्वरों को भी समझते हैं। देखिए रे और सा का टच ये कण स्वर हो गया हमारा ये। अब कहीं पर हमें कोई गाना है तो कण स्वरों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है ये देखिए। तो ये है माध्यम इस तरह से रे स्लो स्लो टच करते जाएं, उसके बाद स्पीड को बढ़ाएं। इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे गा से रे का टच ये इस तरह से पहले स्लो फिर स्पीड ये ये देखिए इस तरह से इस तरह से जो है आप लोग तैयार करें। आगे इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करते जाएंगे ये।
माँ से गा का टच, माँ गा 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 ये आ इस तरह से आपको करना है। आ फिर अगले स्वर में बढ़ते जाएं इसी प्रकार, आ पासे माँ का टच, ये आ पा मा 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 मा। इस तरह से भी आप बोल के भी कर सकते हैं। अगर स्वर समझ में ना आए तो बोल से भी कर सकते हैं, कर्ण स्वरों को पहचानने के लिए, जानने के लिए और गले के अंदर मुर्कियां हरकतें लाने के लिए। देखिए पा मा 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 ये तरह से। फिर अगले स्वर में धा से पा का टच, ये धा पा 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 पा। इस तरह से करना है। मैं आपको इस तरह से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए। पहले स्लो, ये इस तरह से। फिर यहां से यहां, यानी कि नी पर ठहराव, धा का टच, ये वही पैटर्न आ गए ना। देखिए तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है। ये देखिए तो ये कर्ण स्वरों का भी आपका अभ्यास हो जाएगा। पहला था सारे 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 सारे, ये वाला आ। दूसरा था ये सा से नी का टच, फिर रे से सा का टच, इस प्रकार से ये आ। इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। ये फिर वापस वैसे ही पैटर्न में, Thank you.
दोस्तों इस तरह से भी आप लोग जो है रियाज कर सकते हैं। आशा करता हूं जरूर कुछ ना कुछ आपको गले के अंदर इस लेसन के माध्यम से प्राप्त होगा अगर आप इसका रियाज करेंगे। तो कैसा लगा प्रयास आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए लेसन के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग इसका अभ्यास करें और विश्व में जहाँ कहीं भी हों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।